फुलेरा भारतीय जनता पार्टी मंडल फुलेरा एवं नरेना बिहार के संयुक्त तत्वाधान में आज सांबर बाईपास स्थित होटल श्री फुलेरा पर भाजपा कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। सर्वप्रथम मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुकेश गर्ग, प्रदेश मंत्री एस ए मौजा राजस्थान, विशिष्ट अतिथि आशीष बागड़ी मंडल प्रभारी एवं पूर्व प्रधान चाकसू, रतन राजोला जिला महामंत्री भाजपा देहात दक्षिण, देवकरण गुजर मंडल अध्यक्ष नरेना देहात, रामस्वरूप कुमावत नरेना देहात प्रभारी, कालवाड़ प्रभारी आलोक तिवारी रहे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता गजेंद्र सिंह शेखावत ने की तथा कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री सुरेश कुमार सैनी ने किया। इस अवसर पर प्रदेश की जनविरोधी सरकार के खिलाफ पूर्ण सहमति के साथ ध्वनि मत से 4 राजनीतिक प्रस्ताव भी लाए गए। संगठन सत्र को संबोधित करते हुए मुकेश गर्ग एवं आशीष पागड़ी ने वर्तमान संवेदनहीन राज्य सरकार के बढ़ते अपराधीकरण एवं बदहाल कानून व्यवस्था, तुष्टिकरण की नीति, किसानों की बदहाली, अखंड भ्रष्टाचार, लचर शिक्षा एवं परीक्षा प्रणाली, बेरोजगारों के साथ हो रहे अन्याय एवं चारों ओर फैल रही बेरोजगारी, महिला अत्याचार एवं दुष्कर्म मामलों को लेकर सभी उपस्थित कार्य समिति सदस्यों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी सरकार के गरीब कल्याण, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन, आधारभूत ढांचे के विकास आदि विकासोन्मुखी कार्यों को याद करते हुए मोदी सरकार के विगत 8 वर्षों के स्वर्णिम कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने सभी जनहित में लिए गए निर्णयों से अवगत कराया। साथ ही विगत दिनों भारी बारिश के दौरान फुलेरा में हुई 2 महिलाओं संतोष देवी एवं ममता देवी के असामयिक निधन पर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष रामचंद्र सैनी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई।